भाई हम लोग जैसे तैसे कैसे आ गए हैं जश्न रिख्ता में, और ये आज का दूसरा दिन है जश्न रिख्ता सेलिब्रेटिंग उर्दू। रिख्ता मीन्स उर्दू, और इस इवेंट में जो आज 6 बजे से इनॉग्रेशन इसका होना था, वेलकम स्पीच कौन देगा, क्या होगा, अभी मुझे भी नहीं पता, पर देखते हैं, लेट्स सी। ये रहा जश्न रिख्ता का मेन गेट, और यही शायद थंबनेल भी हो जाए। अभी तो शुरुआत में हम लोगों को बुक स्टॉल यहाँ पे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। मैंने कुछ मैग्नेट्स ले लिए हैं, फ्रिज मैग्नेट्स, जिसपे उर्दू के कुछ कोट्स हैं, मिर्ज़ा गाली साहब का पिक्चर है वो जो अभी आप देख रहे हैं, और काफ़ी सारे स्टॉल यहाँ पे बुक्स के लगे हुए हैं। और भी अंदर जाके अब देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पे। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो वेलकम टू जश्न रिख्ता, और ये वही जगह है जहाँ पे मैंने कल आप लोगों को दिखाया था कि प्रिपरेशन हो रही है। लाइट्स अभी भी नहीं चली हैं, कल से नहीं चली अभी तक। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी बहुत सारे एपिसोड्स आपको दिखाऊंगा कि और क्या क्या हो रहा है, कैसे सारी चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी। आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा। एक शेर है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। सुना है लोग उसे आँख भर कर देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। एक्चुअली मेरा नहीं है, अहमद फराज साहब का शेर है, वो यहाँ पे लिखा हुआ था जिसको मैं पढ़ रहा था। बहुत सारे बुक स्टॉल अभी आप लोगों ने देखे यहाँ पे जो लगे हुए हैं, और काफ़ी तादाद में बुक स्टॉल्स हैं। और रिख्ता के अपने भी यहाँ पे बुक स्टॉल है जो उन्होंने खुद अपनी बुक पब्लिश की थी। इसके अलावा और भी बाहर से दीगर लोग जो आए हुए हैं, जो अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जिनके पब्लिकेशन हाउस है जो उर्दू, हिंदी, कल्चर, लिटरेचर, इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो अभी और भी बहुत कुछ देखते हैं कि अभी यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है। और ये प्रोग्राम सिर्फ आज का नहीं है, ये प्रोग्राम 3 दिन चलेगा, और इस 3 दिन में क्या क्या होने वाला है देखने वाली बात है। और जश्न रिख्ता में एक सेल्फी पॉइंट भी बना रखा है यहाँ पे, और सेल्फी पॉइंट बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे उर्दू की कुछ शायरीज लिखी हुई है, कैलीग्राफी है, और बहुत सारे लोग सेल्फी ले भी रहे हैं। और सच बात बताओ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। उर्दू कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, ये कहीं ना कहीं से इस चीज़ को मिस कर रहा था, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। और अब की बार कई सारे स्टेजेस बनाए गए हैं, जैसे कि मेरे पीछे है सुखनजार, यहाँ पर भी प्रोग्राम्स होंगे। तो एक शेर है, आप सबकी नज़र कि ये इश्क नहीं आसा इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो एक आर्ट है। इस आर्ट का कोई फॉर्मेशन नहीं है कि ये ऐसे ही होगी,
जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया यहाँ पे। लेकिन आर्ट खूबसूरत लग रही है दो वजहों से। पहली बात तो ये है कि जो यहाँ का माहौल है, दूसरी बात जो लाइटिंग इफेक्ट दिया गया है ग्रीन और यू नो समवेयर अराउंड रेड, तो ये जो इफेक्ट है इसकी वजह से ये आर्ट खूबसूरत लग रहा है। और मैं हूँ इस वक्त आरती के साथ में। आरती भी चंडीगढ़ से है और बस ये समझ लीजिए कि 3 दिन हम लोग सब साथ में ही रहेंगे। और हमारे साथ इस वक्त अजहर साहब हैं। अजहर साहब से मेरी मुलाकात इंटरनेट की वजह से हुई है और ये बिजनौर से हमारे साथ में आए हुए हैं, मतलब हमारे साथ नहीं, इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। अजहर साहब, क्या लगा इस प्रोग्राम में, आप आए क्यों हैं? एक्चुअली हमारी जो लैंग्वेज है उर्दू लैंग्वेज, इसको प्रमोट किया जा रहा है, एक बहुत अच्छी बात है। इससे सीखने को भी मिलेगा बिल्कुल, और जिनका डिक्शन मेरे ख्याल से थोड़ा तलफ़ुज़ जिसको बोलते हैं हम लोग कि उर्दू में अच्छे से बोल देते हैं, तो जिन लोगों का तलफ़ुज़ ठीक नहीं है वो यहाँ पर आएँ, उनको बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल मिलेंगे, बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, जिसकी वजह से वो उन बुक्स को पढ़ें तो उनका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा हो जाएगा। और तलफ़ुज़ का रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई हिंदू मुसलमान से कोई ताल्लुक नहीं है। तलफ़ुज़ ख़राब होता है रीजन की वजह से। आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर आपको कोई टोकने वाला नहीं मिलता, कोई आपको समझाने वाला नहीं मिलता, वहाँ तलफ़ुज़ ख़राब हो जाता है। तो यहाँ आइए, लोगों के सामने बोलिए। एनी, मैं आज तुमसे किसी को मिलाने जा रहा हूँ जिसके वीडियोस तुम बहुत देखती हो और बहुत एडमायर करती हो, इनसे मिलो। हेलो सर, उनका नाम एनी है। हेलो एनी, आपके वीडियोस इतना देखती हैं और आपके वीडियोस देखते हैं कि वो मुझसे कहती हैं कि तुम क्यों नहीं करते ये सारे काम, बस शुरू कर दीजिए, हमारे जायका थी। जायका मेरे ज़बान में है नहीं तो मैं ये कर नहीं सकता, जिसका काम है उसी को भाई। यहाँ के फूड स्टॉल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अलग अलग किस्म के लिए, जैसे सौंदेश, ज़हरा फूड्स, ज़हरा ज़हरा, दोनों तरह से इसको पढ़ा जा सकता है। टुंडे कबाबी, जहाँ पे कबाब मुझे दिखाई नहीं दिए लेकिन थे, पुराने दिल्ली का जायका। जश्न रिश्ता की शुरुआत हो चुकी है और अभी फ़िलहाल मेरे पीछे जो है वो संजीव सराफ साहब ने अपना इंट्रोडक्शन स्पीच दी और अभी जावेद अख्तर साहब कुछ बोल रहे हैं और यहाँ पे लोगों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि थोड़ा सा लाउड स्पीकर का जो वॉल्यूम है वो कम है। मैं भी सुनने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है क्या नहीं है। तो चलिए, अब चूँकि मैं पूरा प्रोग्राम तो जाहिर सी बात है शूट नहीं कर सकता, मेरे पास इतने इक्विपमेंट भी नहीं है, मेरे पास इतनी चीज़ें भी नहीं है, तो ग्लिम्स मैंने आपको दिखाए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कल भी मैं एक नया एपिसोड शूट करके एडिट करूँगा और अपलोड करूँगा, तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और जो दूसरों के करने का काम था। और यहाँ पे बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही कि जावेद अख्तर साहब बोल क्या रहे हैं। यहाँ पर भी इनको एक दो तो लाउड स्पीकर लगाने चाहिए थे, लेकिन चलो जो भी है अच्छा है। और अगर यहाँ लगा देते, चलो अच्छा नहीं लगाया, और यहाँ लगा देते तो सब यहाँ पर ही खड़े हो जाते, स्टेज के पास कोई खड़ा नहीं होता। Thank you.
चाहे अब के गोद का सिरहाना न था, मोहब्बत के सिवा मेरा और कोई घराना न था। यूँ तो हज़ार बहाने थे बर्बाद होने को यहाँ यार, मगर इश्क सा और कोई बहाना न था। बस भाई अब हिम्मत नहीं हो रही है कि अभी आगे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया और इसको एडिट भी करना है और आज ही इसको अपलोड करना है। तो मैं बस कोशिश यही करूँगा कि जल्द से जल्द इसको अपलोड कर सकूँ। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, कल कुछ नई एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कुछ भी होगा उसको मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं प्रोग्राम नहीं दिखा सकता, मैं बस कोशिश कर सकता हूँ कि कुछ ग्लिम्स शूट कर सकूँ कि एक्टिविटीज़ चल क्या रही है। और साथ में आशुतोष भी है, और आशुतोष आया राजस्थान से, मैं आया हूँ लखनऊ से, और भी लोग बाहर बाहर अलग अलग जगहों से आए हैं।